কলকাতা থেকে যায় না, তাহলে হয়তো আমি চেষ্টা করতাম ঘন্টা জার্নিতে অনেক বেশি খাবার দাওয়া, টাইম টু টাইম দিয়ে যাচ্ছি, পেমেন্টটা টিকেটের সঙ্গে নিয়ে নিচ্ছে। স্বাগতম সবাইকে বিচ্ছরিয়েকশনে। আজকে আমরা আবারও চলে এলাম আপনাদের সঙ্গে আরও একটি ভিডিও শেয়ার করার জন্য। আর আজকে আমরা যে ভিডিওটি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব, সেই ভিডিওর টাইটেলটি হচ্ছে তেজাস এক্সপ্রেস এক্সিকিউটিভ ক্লাস ফুড রিভিউ আহমেদাবাদ টু মুম্বাই ইন্ডিয়ান রেলওয়ে। তার মানে বুঝতেই পারছেন যে ইন্ডিয়ান রেলওয়ের একটি ফুড রিভিউ এবং আহমেদাবাদ টু মুম্বাই যে তেজাস এক্সপ্রেস ট্রেনটি যায় সেই ট্রেনের একটি ভিডিও। আর এই ভিডিওটি নেওয়া হয়েছে ইউটিউব চ্যানেল মোয়েনসাইড HIT। নিশ্চয়ই ট্রেন জার্নি আপনাদের খুবই ফেভারিট, কারণ আমার অনেক ফেভারিট ট্রেন জার্নি। তো চলুন সবাই মিলে ভিডিওটি দেখে আসি। फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। वैसे थंबनेल से तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज का जो मेरा वीडियो है कौन से टॉपिक पे होने वाला है। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था, मैंने अहमदाबाद स्टेशन के पास में ही अपना रूम लिया है 1400 रुपया 6 घंटे के लिए। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था इसके बारे में। तो एक चीज है कि स्टेशन के पास में तो एकदम आराम से जाऊंगा, अभी एक दो सामान पैकिंग करना बाकी है तो वो सबको पैक करके मैं एकदम आराम से निकलूंगा। एंड दोस्तों यू डोंट नो, मैं जा रहा हूँ आज अहमदाबाद से मुंबई तेजस एक्सप्रेस से, और मैंने जो अपना टिकट है उसको बुक किया एग्जीक्यूटिव क्लास में। तो मैं फटाफट सब कुछ पैक वगैरह करके निकलता हूँ, और काफी लोग मुझे बोलते हैं कि मोहित आप अहमदाबाद कब आए हमको बताएं नहीं। तो मैं बता दूं, आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम में जाके फॉलो कर लो, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में भी यही कहा था कि यूट्यूब वीडियोस आप लोग को लेट मिलेगा लेकिन इंस्टाग्राम में आप लोग को अपडेट एकदम लाइव मिलते रहेगा। तो मेक श्योर कि आप लोग इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लो मुझे। तो चलो फटाफट निकलता हूँ। ओके, बाहर में काफी ठंड है इसलिए मैंने जैकेट डाल लिया है। तो जाता हूँ स्टेशन, पता करता हूँ कितने नंबर प्लेटफॉर्म में मेरा ट्रेन आने वाला है। तो ये जैसे मैं स्टेशन में पहुंचा, ट्रेन आके लगा हुआ है ऑलरेडी, क्योंकि यहीं से चलती है ये ट्रेन, तो ऑलरेडी स्टेशन पे आके लगा ही हुआ है। अब देखते हैं E1 कहाँ पे है। E1 मेरा जो है कोच नंबर है। ट्रेनें जब बाहर काला सीटें अनेक सुंदर। सीट नंबर 28 कहाँ गया भाई, कहाँ गया। तो ये रहा, मिल गया मेरा सीट। लेकिन यार ये अजीबो गरीब सीट मिल गया है मुझे। लेकिन यार अभी का न्यू तेजस का सीट का डिज़ाइन देखो यार, क्या कमाल का लग रहा है सीट। और आपके सीट के सामने ही एक स्क्रीन मिलता है जिसमें आप अपना मूवी म्यूजिक भी देख सकते हो, तो ये सही है। और अगर मैं इसके सीट की बात करूँ तो मैं बता दूँ, इसका जो लास्ट वाला जो मैं तेजस में बैठा था जो कि था लखनऊ दिल्ली, उसका जो सीट है ना वो थोड़ा लेदर फिनिश में है और ये थोड़ा मखमल टाइप के कपड़े में है, तो ये ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू लखनऊ वाले से। अगर आपको किसी असिस्टेंट को बुलाना है तो ऊपर बेल का भी बटन मिल जाएगा आपको। इस वाले तेजस में सबसे इंटरेस्टिंग ये लगा कि आपके सामने एक स्क्रीन है जहाँ पे आप मूवी गेम सॉन्ग्स सब कुछ सुन सकते हो। मैंने देखा काफी सारा मूवी था, हिंदी मूवी मुझे थोड़ा कम दिख रहा था। बाय द वे ये फर्स्ट एग्जीक्यूटिव क्लास का वॉशरूम है, और यहाँ पे देखो वैक्यूम फ्लश भी दिया हुआ है एंड टैप ऑटोमेटिक नहीं है, रेस्ट वाला है। और यहाँ सेवर पॉइंट, अब यहाँ हाथ धोगे ये देखो, तो ये ऑटोमेटिक है, बाकी टैप ऑटोमेटिक नहीं है। और ये तेजस का हमेशा की तरह ऑटोमेटिक डस्टबिन, वैसे बता दो ये ऑटोमेटिक डोर नहीं है, इसको खुद से खोलना पड़ रहा है। तो सबसे पहले आपको ट्रेन में आते ही एक रोज एंड कोकोनट वाटर मिलेगा, तो ये अच्छा है वेलकम ड्रिंक के नाम पे कोकोनट वाटर। और अब मिलेगा रेल नीर का एक पानी का बॉटल। और तेजस का सबसे अच्छा बात क्या है ना कि ये देखो अभी टाइम जो हो रहा है 6:40, और ये एग्जैक्ट टाइम में ये ट्रेन खुल भी चुका है। সকাল अब अगर मैं इस ट्रेन के स्पीड की बात करूँ ना, तो जब से ये खुला है तब से ये 108 110 के स्पीड से चले ही जा रहा है। एंड अभी ट्रेन को खुले हुए बस 12 मिनट ही हुआ है और ये आ चुका है मेरा चाय।
और चाय के साथ यहाँ पे आया हुआ है आलमंड और ये बिस्किट। अब जल्दी से मैं अपने इस चाय को बना लेता हूँ। और ये जो चाय को बनाना है ना काफ़ी इजी है। इस पाउडर को सबसे पहले इस गर्म पानी में डालना है, उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है। मतलब जब तक इस पाउडर पूरा मिक्स ना हो जाए, बस ना इसमें चीनी डालना है ना इसमें मिल्क पाउडर डालना है, आपको बस इसको अच्छे से मिक्स करना है। और ये चाय बन के हो गया देखो रेडी। तो अब इसको फर्स्ट क्लास में पीता हूँ। ओवरऑल बोलूँ तो इस चाय का टेस्ट भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और एक बात मैं बता दूँ, अभी मुझे मिल चुका है ये हेडफोन ताकि मैं इसमें कुछ भी म्यूज़िक सुन सकूँ और मूवी देख सकूँ ताकि बगल वाले को डिस्टर्ब ना हो। तो फर्स्ट क्लास में कुछ गाने वगैरह सुनता हूँ और नज़ारे को भी इन्जॉय करता हूँ। और आप लोग भी करो मेरे साथ साथ। तो अभी टाइम हुआ है 7:13 और इस ट्रेन का पहला हॉल्ट आ गया नादियात जंक्शन। तो अगर बोर हो रहे हो तो फर्स्ट क्लास यहाँ पे गेम खेल सकते हो, जैसे कि मैं खेल रहा हूँ यहाँ पे चेस। तो अभी टाइम हुआ है सुबह के 8 और मैं पहुंच गया हूँ वडोदरा जंक्शन। और ये स्टेशन आते ही हम लोगों का जो ब्रेकफास्ट है उसे भी सर्व किया जा चुका है। मैं बताता हूँ कि क्या क्या आया हुआ है ब्रेकफास्ट में। वेट, सबसे पहले मैं इन सबको खोल लेता हूँ। तो ब्रेकफास्ट में आया हुआ है ये ठेपला पोहा, गुजरात में है तो यही आएगा ना। और उसके साथ में ये आया हुआ है मिक्स फ्रूट जूस, ये देख लो। और बस यही नहीं, इसके साथ में ये दही है, वाइप्स है, और साथ ही यहाँ पर एक अचार भी है, और उसके साथ साथ यहाँ पर मफिन और एक केला है। मतलब काफ़ी कुछ है ब्रेकफास्ट में। और अगर मैं इस ठेपला के टेस्ट की बात करूँ ना, मुझे कमाल का इसका टेस्ट लगा, स्पेशली इस दही के साथ खाने में ना और भी अच्छा लग रहा है ये। तो बहुत सही कॉम्बिनेशन है। अब अगर मैं बात करूँ पोहा का, तो पोहा का भी टेस्ट मैं बोलूँगा काफ़ी अच्छा है। ट्रेन के हिसाब से तो भाई बहुत ही अच्छा है। फिलहाल ये है मेरा ब्रेकफास्ट, ट्रेन में इससे अच्छा ब्रेकफास्ट नहीं हो सकता, कमाल है। अब जैसे ही मैंने ब्रेकफास्ट कम्प्लीट किया, ये वापस से एक बार मिल चुका है एक और बार चाय। और ये देख लो मुझे इस बार ट्रेन में क्या मिला है, निविया का ये सेविंग फोम, और लड़कियों को मिला है कुछ तो निविया का क्रीम है। और अगर आपने मेरा लास्ट तेजस वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मुझे मिला था एक IRCTC का की चैन। देख रहे हो तेजस का प्रोग्रेस। तो देखते देखते ये बच चुका है अभी 11:30 और ये आ चुका है मेरा लंच। और लंच के लिए मुझे दो ऑप्शन दिया गया था, एक वेज बिरयानी का और एक चिकन बिरयानी का। तो मैंने अपने लिए चिकन बिरयानी लिया और साथ में ये अमूल का बटर स्कॉच कॉर्न आइसक्रीम। अब जल्दी से मैं इसे खोल के दिखाता हूँ। तो ये देख लो, ये रहा चिकन बिरयानी। वैसे दिखने में तो काफी अच्छा लग रहा है ये। सबसे पहले तो मैं इस ग्रेवी को बाहर निकालता हूँ, ये हो गया। अब जल्दी से मैं इसको टेस्ट करता हूँ, बताता हूँ कि कैसा लगा मुझे ये बिरयानी। और साथ में वापस से एक बार आया हुआ है ये वाइप्स और ये बाहर के नज़ारे। अच्छा, ये फके से के नीचे। तो अगर मैं इस बिरयानी के टेस्ट की बात करूँ ना, तो इसका जो चावल है ना काफ़ी हद तक पुलाव जैसा लग रहा है। और चिकन मैं बोलूँगा चिकन काफ़ी अच्छा है, सॉफ्ट है, काफ़ी अच्छे तरीके से कुक किया गया है चिकन को। और अगर मैं बात करूँ इसके ग्रेवी का, तो ग्रेवी भी मुझे ठीक ठाक सा लगा। और ये साथ में दही, ये काफ़ी पिघलने लगा है अब। तो जल्दी से मैं इसको ख़त्म करता हूँ, फिर बाकी का बात करता हूँ। फाइनली हम लोग बोरीवली पहुंच गए। अब इसके बाद वाला जो स्टॉपेज है वो है मुंबई का। तो अभी टाइम हो रहा है 1:02 और मुंबई पहुंचने का इस ट्रेन का टाइम था 1:10, मतलब 8 मिनट पहले ही हम लोग को यहाँ पहुंचा दिया। तो यही तो इस ट्रेन की खासियत है। तो ये हम लोग पहुंच गए सपनों की नगरी मुंबई सेंट्रल। 6 घंटे जाने से बताने খাবার তো অনেক। মুম্বাই চলে আসছে তাই।
तो ये मैं होटल में चेक इन कर चुका हूँ। होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। वैसे बता दो, ये जो होटल है मैंने मुंबई जो सीएसटी स्टेशन है बिल्कुल उसके पास में लिया। होटल का नाम है होटल लॉर्ड्स और रूम काफी अच्छा लगा मुझे, लेकिन है काफी महंगा। ये 3000 रुपया मैं इसके लिए पे कर रहा हूँ। और मुझे पता है इस रेट में मुझे इससे भी अच्छा होटल मिल सकता था, लेकिन मैं काफी थका हुआ था और मेरे पास बिल्कुल भी ताकत नहीं था कि मैं अभी खोजू, ये करूँ वो करूँ। मैं स्टेशन से बाहर आया और मैं फटाक से भागा होटल की तरफ, जो भी मुझे दिखा। वैसे मरीन ड्राइव में मुझे लेना था, लेकिन मरीन ड्राइव में तो भाई और भी महंगा, तो इसलिए मैंने यही लिया। खैर अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। और अगर मैं बात करूँ तेजस एक्सप्रेस का अहमदाबाद टू मुंबई, तो ये तेजस एक्सप्रेस का जो मुझे खाना है वो मुझे काफी अच्छा लगा बाकी के तेजस एक्सप्रेस से। खाना काफी लिमिटेड खिलाया गया, लेकिन जो भी खिलाया गया काफी अच्छा गया। ओवरऑल सब कुछ मुझे अच्छा लगा और अंदर जितने भी क्रू थे सभी अच्छे थे, मतलब हर कुछ मैं बोलूंगा परफेक्ट था। तो मैं तो आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि कभी एक बार तेजस का एक बार जर्नी जरूर करो, वर्थ है भाई, वर्थ है मैं बोल सकता हूँ। तो बस अब टाइम आ गया इस वीडियो को एंड करने का और मुझे कल निकलना है वापस कोलकाता के लिए और मैं जा रहा हूँ दुरंतो एक्सप्रेस से, इसलिए मैंने मुंबई सीएसटी स्टेशन के पास ही ये होटल लिया। तो होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा और यहाँ तक देख लियोगे तो ऑब्वियसली ये वीडियो अच्छा लगा ही होगा। तो अगर यहाँ तक देख लियोगे तो वीडियो को लाइक करे बगैर मत जाना, और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो तो ये जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। तो बस मिलते हैं अपने नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। অনেক সুন্দর জার্নি। আমি তো লাইফে একবার হলো তেজাস এক্সপ্রেসে ভ্রমণ করতে চাই, হ্যাঁ সেটা দিল্লি থেকে মুম্বাই হোক কিংবা আহমেদাবাদ টু মুম্বাই হোক। তেজাস এক্সপ্রেস আমি সার্চ করেছিলাম, এটা কলকাতা থেকে যায় না, তাহলে হয়তো আমি চেষ্টা করতাম যে কলকাতা থেকে যদি দিল্লি কিংবা মুম্বাই এই ট্রেনের এক্সপ্রেসটা থাকতো তাহলে হয়তো এটাতে ভ্রমণ করা যেত। না ওভারঅল আসলে ট্রেনের এত সুন্দর বসার আসনগুলা, তারপর খাবার দাবারের যে ব্যাপারগুলো ছিল কিন্তু এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাও ছিল যথেষ্ট পরিমাণে। এবং আমার কাছে মনে হয়েছে উনি যে বলছে খাবারটা লিমিটেড ছিল, আমার কাছে মনে হয় না যে খাবারটা লিমিটেড, আমরা কিন্তু এয়ারে ভ্রমণ করলেও কিন্তু এরকম লিমিটেড খাবারই দেয়, আর এটা একজন মানুষের জন্য পর্যাপ্ত আমি মনে করি। এর অতিরিক্ত এর থেকে মানে খাবারটা মনে হয় জানি অতিরিক্ত হয়ে যাবে এরকম আমার কাছে মনে হয়েছে। এবং খাবার যে তিনবার তাকে দিয়েছে আমার কাছে তো অনেক বড় ব্যাপার। আর তাছাড়া আমার কাছে মনে হয়েছে যে সকাল সকাল যে চা মানে সবকিছুতেই তাকে যে দিয়ে যাচ্ছে এবং বিনোদনের বিষয়টা খুব খুবই চমৎকার ছিল, কারণ এখানে আমরা এরকম কোন ট্রেনে কিন্তু এখনো পর্যন্ত আমাদের জার্নি হয়নি যেখানে আপনার গেমস খেলতে পারবেন, মুভি দেখতে পারবেন এবং সাথে খাবার দাবারের সবকিছু আছে, এরকম অ্যারেঞ্জমেন্ট আসলে এভাবে নাই। আর একটা জিনিস আমার অবশ্য জানার ছিল যে খাবারটা কি ওনার টিকিটের সঙ্গেই ছিল নাকি আলাদা, পেমেন্টটা টিকিটের সঙ্গে নিয়ে নিচ্ছে এটা আমার আমি আমার কাছে ক্লিয়ার না, উনি মেসেজটা ওভাবে দেয়নি, তো এটা আমার কাছে জানা ছিল। তবে যদি ওভারঅল তাকে দিয়ে থাকে এটা তাহলে আমি মনে করবো যে এটা একটা অসম জার্নি। আর ট্রেন জার্নি তো মনে করো যে সবসময় কিন্তু ভালো লাগে, সবসময় বাস জার্নি থেকেও কিন্তু ট্রেন জার্নি অনেক কমফোর্ট, হ্যাঁ এবং সবচেয়ে প্লেন জার্নি থেকেও কমফোর্ট আমি মনে করি। প্লেনে ওইভাবে বসে থাকা অনেক কষ্টকর, কিন্তু ট্রেনের মধ্যে হাঁটাহাঁটি করা যায়, কথা বলা যায়, আর যখন দেখা যাচ্ছে যে এরকম গেম খেলতে পারবো, মুভি দেখতে পারবো, তখন তো আরও এক্সট্রা কোনো কিছু পাওয়া এরকম। অবশ্যই তো ওভারঅল ট্রেনটা কিন্তু অনেক সুন্দর ছিল, ট্রেন জার্নিটা অনেক সুন্দর ছিল, এবং আই হোপ সবাই এই ট্রেনের জার্নিটা দেখার পর কখনো না কখনো ইচ্ছা করবেই যে আসলে তেজাস এক্সপ্রেসে জার্নি করি। তো আমার কাছে ভিডিওটি অনেক ভালো লেগেছে, আশা করি আপনাদের কাছে ভিডিওটি ভালো লেগেছে। আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের ভিডিওতে একটি লাইক করে কমেন্টস করে জানাবেন আর কোন কোন ধরনের ভিডিও আমরা আপনাদের সঙ্গে দেখতে পারি। তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সাবধানে থাকবেন। আজকের মতো আমরা এখানে বিদায় নিচ্ছি।